लोगों की फरमाइश में वापिस आ चुके हैं बहुत टाइम के बाद। R15 में MT का इंजन भाई, तो हमारे लोसीवार भाई फुल पावर ऊपर टैंक कवर ऊपर, तो वो पूरे के पूरे इतने सारे रखे हुए, और ये एलॉयज भी रखे हुए हैं यहाँ पे R15 के। गाइज ये बेस्ट गली है, सबसे प्यारी गली, आपको पेमेंट लेके आओ और पूरी गाड़ी लेके जाओ यहाँ से, तो बहुत ही प्यारा है। मतलब ये सिर्फ एक शॉप है इनकी, वैसी इतनी सारी शॉप है, पूरी टी है, तो यहाँ पे आपको शॉकअप भी मिल जाएंगे। अभी ये लड़के जो है 250 को 390 बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ देखो कितना फ्रेश पीस है, इतना फ्रेश आप देख सकते हैं। ये गांधी जी के बाजू में खड़ा हुआ है अपने 10R में काम करते हुए। यहाँ पे इनविजिबल कैप भी लगी हुई है आसिफ भाई की। ओ फाइनली एक साल के बाद मेरी हेडलाइट। हेलो गाइस, तो कैसे हो सब लोग? और फाइनली मैं और आसिफ कुछ लोगों की फरमाइश में वापस आ चुके हैं बहुत टाइम के बाद, और अभी हम लोग सब काम खत्म कर लिया है, भाई का थोड़ा काम है लेकिन वो मेरे लिए आ गया है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कामरेज में है बाइक की कबाड़ी, मतलब सारे बाइक्स जितनी भी बाइक्स है, सुपर बाइक नहीं छोटी बाइक्स, तो जितनी भी छोटी बाइक छोटी कम सीसी की बाइक है उसके वहाँ पे पार्ट्स बहुत ही सस्ते और अच्छे मिल जाते हैं। तो मेरी RC KTM RC है वो नेकेड है, अभी स्टंट बाइक है, लेकिन मुझे हेडलाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो गाइस मैं हेडलाइट लेने जा रहा हूँ। मेरी जो हेडलाइट थी वो मेरे दोस्त को, मेरे मैकेनिक जो थे सिद्धार्थ भाई, उनको दे दी थी, उन्होंने बोला था कि मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, निकाल नहीं आ रहा था किसी चीज़ का। तो अभी हम लोग देख रहे हैं जाके, मैं और आसिफ जा रहे हैं, अभी जाके चेक करते हैं कहाँ पे किसकी यहाँ मिल रही है। एक अनवर भाई करके रहे, एक इरफान भाई करके, एक आरिफ भाई करके, और बाकी भी बहुत सारे हैं, एक नवाज़ भाई है हमारे, एक असलम भाई है, बहुत सारे लोग हैं, तो अच्छा पार्ट्स मिलता है गाइस। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग कड़ोदरा पहुँच गए थे, अभी कड़ोदरा से चाय भाई पी ली और हम लोग अभी निकल चुके हैं कामरेज की ओर। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत टाइम के बाद, मतलब हमारी मारुति सुजुकी सुपरा के अंदर है हम लोग बाहर ना अभी, हाँ बहुत टाइम के बाद, और हम लोग अभी सिलेरियो में घूम रहे थे, आसिम ने अभी नई सिलेरियो ली थी, तो आप अभी हमारी अल्टो में वापस घूम रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको सीधा कबाड़ी में मिलता हूँ। स्क्रैप बहुत प्यारा स्क्रैप है वहाँ पे जाके बाइकर का दिल गार्डन हो जाता है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं कामरेज में और आसिफ फुल पावर। अभी ये मेन ब्रिज, यहाँ से हम लोग कड़ोदरा साइड से आ रहे हैं, मतलब उस साइड से मुंबई वाला हाईवे जो है, तो यहाँ से हम लोग लेके राइट लेके पूरा कबाड़ी जो बोलते हैं, तो मेन कबाड़ी अभी यहाँ पे है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी मेरे दोस्त का भी कॉल आया था, लूसीफर जो कड़ोदरा रहता है, तो वो भी यहाँ पे कुछ पार्ट लेने ही आया था, तो उसका कॉल आया था, उसको कुछ पार्ट जो है उसको अलग कलर में मिला है, या तो फिर मैट कलर में मिला तो उसको शाइनिंग करवाना है, तो मुझे कॉल आया था कि भाई शाइनिंग कलर करवाना जो कोई एक दिन में कर देगा, तो बोला कि भाई मैं भी कामरे जा रहा हूँ, मैं आपको मिलता हूँ, वहाँ से अपन किसी को कॉल करते हैं, तो भाई भी वेट कर रहा है, तो जाके उसको भी मिलते हैं। फॉर्चुनर की टट्टी जा रही है। ओके टट्टी जो है, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एक बार फुल पावर स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए। भैया आइए, पूरा ऑफ रोड है यहाँ पे, पूरा ऑफ रोड, उतरे चलो बोलो। हाँ बोलो। गाड़ी का एक राज है। क्या राज? क्या गाड़ी ऊपर से R1 दिखती है, लेकिन इसमें इंजन MT का लगा है। R15 में MT का इंजन भाई, तो हमारे लोसीवार भाई फुल पावर। कौन सा पार्ट टूट गया? जुगाड़ू भाई। ये पार्ट टूट गया है, तो अभी हमारे रूहान भाई, ओके तो हम लोग ने आगे से पार्ट ले लिया, तो अभी मैं भी ढूंढता हूँ पार्ट। गाइस देखो ये पीछे शायद 5-6 दुकान है, और पीछे भी एक गली है, उसके पीछे भी गली है, तो बहुत सारी यहाँ पे कार्स के भी मिल जाते हैं पार्ट्स, और बाइक्स के तो अनहद, मतलब आप क्या बात। तो गाइस सब दोस्त भी यहाँ पे हैं, बहुत सारे मिल जा रहे हैं हमारे, उसी बार में देखो क्या लग रहे हैं, आज जुम्मा है भाई, तो हम लोग तो नहीं बना कुर्ता। आसिफ भाई देखो कितने प्यारे लग रहे, माशाल्लाह। देखे
ये जहाँ देखो जहाँ बिजनेस का चालू हो जाता है इसका, कर ले अब भी वो काका बिठा ले तो ऊपर। गाइस ये हम लोग इरफान भाई के यहाँ आए हैं। तो देखो पूरा KTM RC के जो पूरे टैंक के पेड़ होते हैं ना ऊपर, टैंक कवर ऊपर, तो वो पूरे के पूरे इतने सारे रखे हुए। और ये तो सिर्फ बोलते ना दो चार पीस है, 8-10 पीस है उनके पास पूरा स्टॉक है, पीछे गोडाउन है। तो ये भी अगर किसी को चाहिए तो ये भी मिल जाएगा, टायर टी पूरा मडगार्ड भी मिलेगा। तो गाइज इनका पूरा गोडाउन भरा हुआ है, ऐसे दो चार गोडाउन है। और एक KTM के लिए भी है, आपको किसी KTM के लिए चाहिए तो मुझे आप DM कर सकते हैं, मैं आपको इरफान भाई का नंबर या तो फिर उनका कुछ भी दे सकता हूँ इंस्टाग्राम का, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो पूरा भरा हुआ है अंदर तक, ये एलॉयज भी रखे हुए हैं यहाँ पे, R15 के, V3 के है शायद, V4 के हो गए, और KTM का एलॉय, पल्सर 220 की टंकी है, ये अपाची की हेडलाइट है, मतलब बहुत सारे पार्ट्स आपको जो चाहिए यहाँ पे अच्छे रेट में मिल जाएगा। KTM ड्यूक की टैंक जो अंदर होती है ना वो है, पूरा इंजन के पार्ट्स पे सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मिरर्स भी है, और ये ड्यूक 200 का है पूरा टैंक कवर है, और ये भी टैंक है 250 ड्यूक का है, और ये करिश्मा, मतलब सारे पार्ट्स, ठीक है। बहुत अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे, तो लेने आया हूँ यहाँ पे। ये KTM RC के मिरर भी है, और हमारा आसिफ भाई भी बहुत हैंडसम लग रहा है आज तो, देखिए भाई। अब तो देने जा रहे हैं, हमने इरफान भाई को कॉल करा है अभी, इरफान भाई शायद बाहर थे कहीं वहीं पे, इरफान भाई आ रहे हैं। इरफान भाई अभी देखते हेडलाइट बोलते है, अभी वो हेडलाइट हम अपन को दिखाएंगे पूरी कंप्लीट हेडलाइट स्ट्रक्चर सारी चीज़, मीटर वाइजर ये सारी चीज़ मैं पूरी कंप्लीट चीज़ लेने आया हूँ यहाँ पे। तो अच्छा रेट देंगे तो इरफान भाई के यहाँ से अपन बाय कर लेंगे वो, ठीक है। गाइज ये बेस्ट गली है, सबसे प्यारी गली, आपको कहीं पे मिल जाएगी, जो है बरकती ऑटो पार्ट्स। तो ये हमारे अनवर भाई है, तो ये वाली शॉप जो दिख रही है बरकती ऑटो पार्ट्स, ये अपने अनवर भाई का है, और यहाँ पे आपको सारे फाइबर्स, मतलब जितने फाइबर पार्ट्स है, मतलब आप यहाँ से पूरी कंप्लीट ऐसे खाली हाथ आके पेमेंट लेके आ सकते हो, पेमेंट लेके आओ और पूरी गाड़ी लेके जाओ यहाँ से। तो बहुत ही प्यारा है, मतलब ये सिर्फ एक शॉप है इनकी, वैसी इतनी सारी शॉप है। देखो यहाँ पे ये शायद नई वाली प्लेजर का होगा, मोपेड्स का भी मिल जाएगा, वो KTM ड्यूक का बड़ा हुआ है ऊपर पूरी, देखो ये ये वाले V1 प्रो का भी आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक बाइक से लेके सारी CNG बाइक भी है यहाँ पे। तभी तो KTM का है, R15 का, V4 का है, और बहुत सारे पार्ट्स का है। और देखो ये नया वर्जन जो अभी जो है उसका जो शॉकअप है पूरी टी है, तो यहाँ पर आपका शॉकअप भी मिल जाएगा, शॉकअप वगैरह भी है यहाँ पे, पूरी V4 खड़ी है, इंजन वगैरह जितना भी सामान चाहिए, ऐसा नहीं आपको क्या पूरा इंजन लेना होगा, अगर आपको पाइप चाहिए, कुछ सॉकेट चाहिए, कोई सा सेंसर चाहिए, जो भी मतलब स्प्रॉकेट से लेकर टोटली एवरीथिंग यहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। और ये अभी हम अनवर भाई के पास जाते हैं, ठीक है, अभी डीलिंग चालू है भाई की। ये लड़के जो है 250 को 390 बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ टोटल बॉडी केबल्स वगैरह सारी चीज़ जो अवेलेबल नहीं थी वो अनवर भाई ने मंगा के भी दिए, तो नहीं होगा तो आपको मंगा के भी देंगे। तो उनका जो कॉन्टेक्ट नंबर बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो आप कॉल करो, फालतू कॉल मत करना, वो भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और जिसको जेन्यून में मतलब बारडोली के आजू बाजू, सूरत के आजू बाजू, मतलब ऑल ओवर इंडिया से इनके पास भी कॉल आते हैं, इनकी भी ID वगैरह है सारी चीज़ें, तो गाइज़ आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो और पार्ट्स मंगा सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं, अभी KTM RC का अपने जो पार्ट्स है मैंने भाई को बोला है, तो अभी भाई ने मंगा लिया, देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है KTM RC 390 है ये, और शायद 200 है, ये ड्यूक 200 है, और KTM RC आगे भी है। तो पूरी बाइक आपको जितना भी सामान चाहिए, नाइस। मीटर ना थी गाड़ी ले दो, मीटर पर जो ये था वहाँ से, ओके। तो हम लोग को ये दिखा है, स्ट्रक्चर वगैरह सब है कंप्लीट। तो अभी ये भाई से निकलवाते हैं भाई गाड़ी आपको, बाकी तो बड़े बड़ा बच्चे प्रोजेक्टर आने आते, तो कंप्लीट है भाई। तो अभी भाई रिमूव करेंगे, और तुम्हें दुकान पर लेने आओ, है ना भाई, अभी रिमूव करेंगे। ऊपर जेबू खोला ही ना कोई, आज आप खड़े रहे भाई, यहाँ खड़े रहो, कोई बात नहीं। अरे वैसे तो कुछ नहीं, तुम कार निकालेंगे, वो पूरी आती है, किसी को कुछ भी चाहिए टैंक वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। आज देखो यहाँ पे एलॉयज भी है,
मेरी नज़र से कैसे बच गए इन लोग, पल्सर वगैरह के, डिस्कवर वगैरह, मतलब टोटली जो भी बाइक आपको जो है, आप छोटी बाइक है, बड़ी बाइक है, कोई सी भी है, ठीक है। तो वहाँ पे देखो बहुत सारा अलॉयज रखे हुए हैं, यहाँ पे भी है। स्प्लेंडर के पार्ट चाहिए, स्प्लेंडर के भी मिलेंगे। यहाँ पे भी देखो पूरा पार्ट सब लूना वगैरह, पेडल वाली लूना, स्ट्रक्चर अभी रिमूव करवाते हैं, उस पर प्रोजेक्टर भी लगे हुए और मिरर वगैरह, दूसरी चीज़ जो है वहाँ पे है दूसरी दुकान पे, तो वहाँ से ले लेंगे वो भी। तेरी काली काली दो हैं भाई लोग, ये प्रोजेक्टर आ गए हैं, ये अंदर भाई ने दे दिया, अपने हाथ में पूरा कंप्लीट आ चुका है, स्ट्रक्चर और लैंप है, डीआरएल भी है, ठीक है। तो देखो कितना फ्रेश पीस है, कितना फ्रेश आप देख सकते हो, बहुत ही फ्रेश है बिल्कुल, ये शोरूम से आया वैसा है और बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। अभी मीटर के लिए भाई को पूछ लेते हैं, और ये V4 के लिए है, R15 V4 जो अभी ब्रांड न्यू आई है, ये पार्ट भी इनके अवेलेबल है, तो सारी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। तो अभी इसका रेट निकालते हैं, और मोटर वगैरह भी लेना है और वाइजर भी लेना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी ले लेते हैं, और स्ट्रक्चर भी यहाँ पे रखे हुए अपने। गाइस देखो ये टायर, ये वाला नहीं दिखाऊंगा, ये वाला देखो जो KTM के इस पर लगा हुआ है, 100% लाइफ है, 100% ना कहीं पे रिमोट बोलते हैं वो भी नहीं है, जेके टायर है बिल्कुल फ्रेश। तो यहाँ पे ये भी मिल जाते हैं, कितना फ्रेश टायर है देखो, इसको वॉश करवा दिया तो कंप्लीट, जो कंपनी कंडीशन आता ना वैसा है, बिल्कुल फ्रेश आपको टायर्स भी मिल जाएगा यहाँ पे, और सारी चीज़ें भी रखी हुई है यहाँ पे, बहुत प्यारा। तो अभी चाय वाय पीते हैं, ओनली चाय, ओनली चाय, और कुछ नो, पक्का यस, ठीक है। वो पीछे का छुपा है उसमें, अरे कुछ नहीं, ये देखो ये मतलब चाबी है, और वापस दूसरा कुछ नहीं, कुछ नहीं, चलो मान लेता हूँ। और ओए तू क्या कर रहा है, चाय पी रहा है। तो गाइस ये चीज़ भी आप चेक कर लो, ये अपने शब्बीर भाई है, और ये यहाँ के ऑनर जो है, इनके भाई जो है बशीर भाई, उनकी शॉप है। यहाँ पे आपको पूरे जितने भी एग्जॉस्ट है सारे मिल जाएगा, और बहुत चीप रेट में मिलेगा, सारे इंडिकेटर्स है, और बबल वाइजर जो KTM RC के लिए आता है वो भी है, शायद मैं भी एक लेके जाऊँगा अभी। प्रोजेक्टर के लैम्प्स वगैरह है यहाँ पे, सारे प्रोजेक्टर है सारे, टोटली यहाँ पे आपको एसेसरीज मिल जाएंगी सारी बाइक्स की, मीटर्स, हेडलाइट, ये वो टोटली, मतलब हैंड गार्ड वगैरह भी है। फिर आप देख सकते हो ये जो भी लोग मोपेड वगैरह में बहुत लगा रहे हैं, एंटॉर्क, ये मतलब हर चीज़ में उनके पास पूरे वाइजर, मतलब मिरर्स है, वाइजर है, ये स्प्रिंग स्लाइडर है, हैंड गार्ड है, टोटली एग्जॉस्ट भी है, मतलब इस टाइप में भी है, और ये आफ्टर मार्केट जो आते हैं सारे वो भी है, और इतना लेकर, और ये बबल वाइजर है KTM RC का जो होता है ये वाला, ठीक है, और R15 के लिए, MT के लिए भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, और ये V3 के लिए जो साइलेंसर पे लगता है ना एग्जॉस्ट पे, वो चीज़ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइस आप यहाँ पे भी आ सकते हो, मतलब पूरा कबाड़ी में आओ, और बहुत सारा सामान लेकर, बहुत सारा सामान, देखो लाइट्स भी बहुत प्यारी प्यारी लगी रखी हुई है। क्या बोले आसिफ भाई, कितने का आएगा फाइनल इसका? 500 रुपीज़ दे देना, 500 फाइनल, 300 पक्का लेगा तो, 300 दोगे, 300 हाँ। तो भाई ने 700 बोले, भाई 300 बोल रहे हैं, कितने में बताओ बताओ बताओ, ये वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं ब्लॉग बना रहा हूँ यूट्यूब पे, यूट्यूब पे चल गया, ये पूरा कबाड़ी का बनाया मैंने पीछे का, नहीं यार क्वालिटी नहीं सही, नहीं क्वालिटी सही, इसका कॉल आ रहा है, अजहर का कॉल आ गया है, नहीं भाई नहीं, सॉरी सॉरी, तोड़ देंगे, मैं तोड़ डालूंगा। हेलो, सो गाइस हमारे आसिफ भाई को देखो, वो मस्त खा पी के तंदुरुस्त माशाल्लाह, तो अंदर चला गया। गाइस हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग ने हेडलाइट, मतलब जो प्रोजेक्टर लैंप आता है वो, DRL बल्ब, LED बल्ब जो आते हैं वाइट कलर, वैसे येलो लगता है लेकिन मैंने वाइट बल्ब खरीदा है, और वाइजर जो बबल वाइजर आता है बड़ा वाला, जो ब्लैक वाला हम लोग को लेना था लेकिन ब्लैक सोचा कि ब्लैक अभी नहीं लेते, जो ट्रांसपेरेंट आता है वो ले लिया हम लोग ने, उसको क्या अपन थोड़ा वो
वगैरह करवा सकते हैं, मतलब विनाइल लगा उसको ब्लैक कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक को ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते। तो हम लोग ने ये अभी ले लिया है, वो भी सारा सामान मैं अभी बताऊंगा नहीं कितने का है, क्योंकि मेरी अनवर भाई के साथ अच्छी बनती है तो उन्होंने मुझे अच्छा डिस्काउंट दिया, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया है। सिर्फ अब मीटर लेना बाकी है, उनके पास मीटर अवेलेबल नहीं था और दूसरे के पास मैं गया मीटर लेने के लिए, शायद उसको बुरा लग गया, वो भी दोस्त है मेरा, तो उसको बुरा लग गया तो उसने मुझे बोला कि अब तो कुछ चाहिए तो मैं पूरा मतलब कॉम्बो ही दूंगा, मतलब टोटली चीज़ दूंगा तो मैं बेचूंगा, वरना मीटर नहीं दे रहा। तो कोई बात नहीं, मैंने अनवर को बोला कि भाई अनवर भाई अभी उसको बुरा लग गया तो आप ही कुछ मुझे ढूंढ के दो। अब वो अनवर ने बोला एक दो दिन दो मेरे को, फिर मैं किसी के पास भिजवा दूंगा, तो वो भिजवा देंगे या तो फिर अपन लोग ही आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, जब फ्री हो गए तो आ जाएंगे। ठीक है, तब तक अभी जाते हैं अपनी गैरेज पे और फिटिंग करवाते हैं, लगवाते हैं अपनी आरसी में। शायद 1.5 साल से मेरे पास हेडलाइट नहीं है, तो अब मैं हेडलाइट लेके घूमूंगा और बाइक का लुक थोड़ा सेक्सी करेंगे। ठीक है, तो अभी गाना वाना बजाते हैं सीधे मौत। गाइस हम लोग आ गए थे बारडोली, हम लोग चाय पी ली और ये है मेरी KTM RC जिसे लोगों को पता है और जो नए लोग ब्लॉग देखेंगे उसको बताऊंगा, ये मेरी RC है। तो इस पर बहुत टाइम से हेडलाइट नहीं, आप लोग वीडियोस में भी देख रहे होंगे, तो आज फाइनली हेडलाइट लगाते हैं। एग्जॉस्ट भी ने 250 वाला डाला हुआ है, वहाँ से बैंड पाइप जो स्टॉक है यहाँ पर लगता है बीच में, और ये हैंड ब्रेक बनाई हुई है, ये हैंड ब्रेक है, ये फुट ब्रेक है, ये डबल पिस्टन कैलिपर जो पल्सर में आ गया था वो लगे हुए हैं। देखो इस तरह का कुछ सेटअप है। ठीक है, ये टैंक है हाई शेयर के लिए, ये सब केज है फ्री स्टाइलिंग वगैरह के लिए, और बाइक अगर गिरती है ना तो इस पर हो जाती है। अभी क्रैश गार्ड है, मैंने निकाल दिया अभी है नहीं, और ये विली बार है जिसपे मैं पैर रख के सारे स्टफ करता हूँ, और ये स्प्रॉकेट, ये स्प्रॉकेट है 54th, पहले था 58 था, फिर निकाल दिया बहुत बड़ा हो रहा था, और ये वन फिंगर क्लच, ये वन फिंगर क्लच, और ये हैंड ब्रेक। ठीक है, तो बाकी चीज़ में ये कोई तावीज़ वावीज़ या कोई धागा वागा नहीं है ये नॉर्थ रोडल जब मैं सर्कल वगैरह करता हूँ, फ्लैट एंड वगैरह करता हूँ, तो ये यहाँ पे लॉक करने के लिए, थ्रॉटल लॉक करने के लिए है दोरी। अभी वापस जाते हैं सिद्धार्थ भाई के पास और काम करवाते हैं, और अभी सिद्धार्थ भाई लगेंगे अपनी बाइक के पीछे। ठीक है, तो अभी काम चल रहा है, देखो कितनी जल्दी अंधेरा हो रहा है, अभी सर्दियों का टाइम है। तो मेरा एक पार्ट रह गया था, तो मैं वापस कामरेज जा रहा हूँ आसिफ के साथ, तो बस निकलते हैं अभी वापस कामरेज, और भाई फिटिंग करेंगे तो मैं आपको यहाँ का मतलब दिखा नहीं पाऊँगा कि जो काम हो रहा है। ठीक है गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ कामरेज, सारी दुकानें बंद हो गई है, और अनवर भाई भी बैठे हुए थे यहाँ पे, वो भूल गए थे सामान निकालना, तो अभी निकालने गए। RC का कवर रह गया था जिसके अंदर वाइजर फिट होता है। भाई मेरी हालत देखो, मेरी आँख मतलब विदाउट हेलमेट आया हूँ मैं अर्जेंट में, वरना शॉप बंद हो जाती। भाई मैं बहुत गाइस बहुत भगा भगा आया हूँ मैं, अंदर वाले रास्ते से आया था बिल्कुल जो गांव वाले रास्ते से, एक बार कुत्ता भी बीच में आ गया लेकिन संभाल के थोड़ा चला ही मैंने, लेकिन अभी बहुत ख़राब हालत हो रही है। गाइस मैं आ चुका हूँ ये वाला पार्ट लेके, ये जो मिसिंग था तो भगा भगा के आया, तो फयाज भी मिल गया यहाँ पे, हमारा फयाज कालू हमारे गैरेज के बाजू में रहता था बैठता था, हमारा सुख दुख का साथी और हमारा सिद्धार्थ भाई का। आसिफ क्या है भाव, सिद्धार्थ भाई के लिए कुछ कहना चाहोगे? सिद्धार्थ भाव जिंदाबाद। जिंदाबाद को गोली देना पड़ेगी, देना पड़ेगी यार, बहुत सारे सिद्धार्थ भाव बहुत अच्छे हैं। हाँ अभी हमको हमारी गाड़ी बनवाने के लिए बोलना पड़ेगा, बहुत अच्छे है। हाँ बहुत अच्छे है, अभी हमारी मेरी गाड़ी 10-15 दिन से पड़े ली है। हाँ मैं ये इसको 1 साल से पड़े ली है। हाँ तो बस आज दोनों गाड़ी बना के लेके जाएगी घर पे। हाँ भाई ऐसा 0.5 करो ना, अभी मेरा थोबड़ा देखा तुमने एकदम, ये वाली आँख में मतलब कीड़ा लग गया, विदाउट हेलमेट गया था, भगा भगा गया, उसने बोला कि भाई 20 मिनट में बंद हो जाएगी दुकान, और मैं 20 मिनट में पहुँच गया था, दुकान तो बंद हो गई थी लेकिन बाहर ही बैठा था वो, तो ये वाला पार्ट दिया उसने और मैं आ गया। क्या गाइस एक लाइट हो चुकी है स्टार्ट, अभी बंद करते हैं वापस, दोनों लाइट्स स्टार्ट हो गई है दोनों, अपन DRL को करना है स्टार्ट, अभी कुछ वायरिंग बाकी, ये गाइस ये भी स्टार्ट हो गई है फाइनली, तो हम लोग सेकंड हैंड पार्ट लेकर आए थे, सब काम हो गया। बहुत प्यारी
गाइस ये ड्यूक का रेडिएटर है, तो अभी यहाँ से ये आसिफ कट करेगा रेडिएटर, ये क्लैंप दोनों कट करने का, ठीक है चालू करो। अरे हमारे ये आसिफ भाई अपनी टेनार में काम करते हुए, हमारा आसिफ भाई अपनी टेनार में काम करते हुए देखा, टेनार में काम करते हुए एग्जॉस्ट ना डाया डाल रहे, एकरा पाविक एकरा डाल रहे, एकरा ग्राउंड चाय आसिफ भाई के साथ, क्योंकि आज बहुत सारी चाय, बस चाय पे जिंदा है ना। ये घर के लिए ले लिया है, अब चाय पीते हैं। हम लोग वापस चाय लेने गए थे, आपको एक कुछ दिखाता हूँ। गांधी जी के बाजू कोई खड़ा हुआ है, ये गांधी जी को मिलने आया शायद। बहुत क्राउड जमा है, चल गाड़ी जोड़े दो भाई। हमारे आदिल भाई भी आ चुके हैं हमारी बाइक की थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन के लिए, नहीं कस्टमाइजेशन क्या, जो मतलब वो नेगेट करी थी उसको वही पार्ट लगा रहे वापस। और अगेन चा मतलब आज इतनी चाय पी है ना कि एसिडिटी होने वाली कल, खतरनाक वाली। तो अभी साइड पैनल भी फिट हो गया है, अभी वाइजर बाकी है चाय भरते हुए। और आसिफ भाई ने अपनी टेनार में ये टेनार का मडगार्ड काट दिया है मस्त, और पीछे से इतना खूबसूरत लग रहा है, देखो क्या लुक है। हमारे आसिफ भाई अपनी टेनार के कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब महंगे महंगे मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे मॉडिफिकेशन करते हैं। ये नया ग्राफिक आपको ऐसा लग रहा होगा जंग लगा हुआ है, जंग वंग कुछ नहीं है, ये ग्राफिक्स है। ग्राफिक भाई कहाँ से करवाए, दुबई दुबई से ग्राफिक्स भी करवाए हुए हमारे आसिफ भाई ने। और ये ना आपको देखेगा यहाँ पे ये वायर लगा हुआ है, ये क्या बोलते प्लग, ये जो ये कोर्ड है ना, यहाँ पे कैप भी लगी हुई है लेकिन ट्रांसपेरेंट, मतलब वो इनविजिबल है, किसी को दिखती नहीं है, तो यहाँ पे इनविजिबल कैप भी लगी हुई है आसिफ भाई की, तो ये किसी को समझ भी नहीं आती भाई कैसी है। और आसिफ भाई थैंक यू सो मच चाय के लिए हमारे आसिफ भाई। आदिल भाई तो देखो उसका हाथ तो देखो, माँ की आँख बहुत खतरनाक भाई से। फाइनली एक साल के बाद मेरी हेडलाइट लग चुकी है, कोई नहीं चलेगा गाइस, ये लुक आ रहा है। अभी यहाँ से साफ करना पड़ेगा वरना बहुत पूरा दिख रहा है, थोड़ा पूरा धूल मिट्टी में हो रहा है। ये लुक है, अभी वॉश कराएंगे उसके बाद देखेंगे कैसा है। और मैं थोड़ा सा बबल वाइज़र जो है यहाँ से कट करूँगा, तो मुझे कट करना है क्योंकि स्टैंड बाइक है और अभी मीटर लगना भी बाकी है। फिलहाल के लिए चलेगा इनफ है रात में घूमने के लिए। बंद ओके गाइस, ऐसा कुछ लुक आ रहा है, ठीक है तो बहुत प्यारी लग रही है अपनी बाइक। और बस मैंने रात में ब्लॉग एंड नहीं करा है, तो ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।